प्रैक्टिकल्स, तो फार्मेसी में प्रैक्टिकल्स का एक अलग ही अपना रोल है और ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं प्रैक्टिकल्स। अब होता क्या है कि जितना टाइम हम थ्योरी में देते हैं उतना ही सेम टाइम जो है हम हाफ टाइम अपना प्रैक्टिकल्स में देगा। देखा होगा आपने जो लंच से पहले का टाइम होता है हमारा, वो उसमें हम थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं, क्लासेस लगती हैं, उसके बाद जो हमारा बाकी का टाइम है वो हमारा जाता है लैब्स में, या फिर कई जगह ऐसा होता है कि लैब्स पहले लगते हैं और क्लासेस बाद में लगते हैं। मतलब होता यह है कि आधा आधा टाइम हमको बराबर मिलता है। अब बहुत लोगों का जो है सवाल आ रहा था कि आखिर प्रैक्टिकल्स होते हैं वो, मतलब उसका फाइनल सेमेस्टर एग्जाम कैसे होता है, फिर प्रैक्टिकल्स में किस तरह क्या पूछे जाते हैं, तो इन सभी के जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। तो आज हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं एक्चुअल में कि प्रैक्टिकल जो है कैसे होता है, फिर बायवा कैसे होता है। बायवा ये वर्ड है, इससे जाने कितने ज़्यादा स्टूडेंट डरते हैं, पर एक्चुअल में देखा जाए ये बहुत छोटा है और ज़्यादा मार्क्स का भी नहीं होता, तो इन सबको हम बताने वाले हैं। फिर आता है कि आखिर पैटर्न किस तरह से हमारा प्रैक्टिकल लगा, इस चीज़ को जान लेंगे, फिर तैयारी कैसे करें। और ये जो वीडियो है ये हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके प्रैक्टिकल हो चुके हैं, मतलब जो अपना न्यू सेमेस्टर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल को लोग जो है लाइटली ले लेते हैं, वो समझते हैं कि इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि मार्क्स वगैरह ज्यादा इंटरनल और बायवा वगैरह करके हो जाता है, ज्यादा मतलब इसमें प्रेशर नहीं आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप फार्मेसी कर रहे हो तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो नॉलेज भी आपको उतनी ही ज़्यादा जरूरी है जितनी थ्योरी है, क्योंकि जब आप किसी कंपनी में जाएंगे या आगे कहीं भी वर्क करेंगे कुछ भी, तो अगर आप एक फार्मासिस्ट हैं फार्मेसी कर रहे हैं तो आपको जो प्रैक्टिकली नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। बाकी उनके लिए तो है ही, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके प्रैक्टिकल आने वाले हैं या जिनको प्रैक्टिकल देने हैं, किस तरह वो अपनी तैयारी करेंगे, थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिससे या टिप्स हैं कि किस तरह आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके प्रैक्टिकल आने वाले हैं, उन्हें थोड़ी जल्दी होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि आपका जो भी हो फाइल वगैरह जो आपकी होती है वो आपकी एक तो कंप्लीट होनी चाहिए टोटल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपकी जो राइट साइड होती है हमारी, राइट और लेफ्ट दोनों साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए, और पेंसिल वाली साइड पर पेंसिल से आपके एक्सपेरिमेंट ये चीज़ भी लिखी होनी चाहिए। तो आपकी फाइल जो है वो फुल्ली कवर्ड होनी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये हमारी एक फाइल है, ये वाला इस तरह का अगर आप कवर लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। फिर इसके ऊपर जो है आपकी एक चिट होनी चाहिए या आप स्लिप बोल सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी डिटेल्स ये वाली होनी जरूर चाहिए। आपका नेम क्या है, नेम होना चाहिए, फिर रोल नंबर, फिर सेमिस्टर कौन सा है आपका, फिर सब्जेक्ट नेम क्या है, साथ में हो सके तो सब्जेक्ट का कोड भी डाल देना, फिर हमारे यहाँ आता है कॉलेज। तो ये सारी चीज़ें आपकी फिल होनी चाहिए, और अंदर से जो आपका इंडेक्स वगैरह है ये चीज़ भी कंप्लीट होनी चाहिए, और आपकी फाइल चेक होनी चाहिए। ये जनरल सा क्राइटेरिया सिंपल है, हर किसी को पता होता है। फिर हमारी बात आती है अब कि कितने मार्क्स का होता है और कितना क्या होता है, इन चीज़ों को हम जल्दी से जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो हमारा टोटल एंड सेमेस्टर होता है उसके जो मार्क्स होते हैं वो होते 35, इसके बाद टोटल जो हमारा 50 का होता है, और जो हमारे 15 मार्क्स होते हैं इसमें वो हमारे होते हैं इंटरनल, यानी कि आपको याद होगा कि सेशनल में भी हमारे कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं और उसमें हमारे टीचर्स द्वारा जो लिए जाते हैं और वो हमें भी कुछ मार्क्स देते हैं, तो उसके हमारे इंटरनल के बनते हैं टोटल 15 मार्क्स, और बाकी जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं वो हमारे होते हैं 35 मार्क्स। इन दोनों को मिला के टोटल हमारे होते हैं 50 मार्क्स। अब इसमें क्या क्या होता है, ये चीज़ अगर आपने दिए होंगे पहले तब आपको याद होगा, और जो फर्स्ट सेमेस्टर में है उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइनोप्सिस, ये आता है हमारा 5 मार्क्स का। अब ये क्या चीज़ होती है, आपने देखा होगा जो मतलब बोर्ड वगैरह पे टीचर्स क्वेश्चन देते हैं कुछ लिखने के लिए, तो ये हमारे सिंपल कुछ क्वेश्चन होते हैं और ये हमारा 5 मार्क्स का होता है सिर्फ। और इसमें जो क्वेश्चन बेस मोस्टली तो हमारे ये आते हैं एक एक में 5 क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं, और एक क्वेश्चन की जो कीमत 1 मार्क्स होती है, तो सिंपल ये हमारे आते हैं थ्योरी से। तो आप जो अपने रियल मतलब एक्चुअल में थ्योरी में जो पढ़ते जा रहे हैं उस सब्जेक्ट का, उन्हीं में से गिनती के 5 क्वेश्चन आते हैं। अब सोचने वाली बात है कि अगर एक के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है तो सिंपल उसमें ये होता है कि एक मार्क्स में हमारे जो मोस्टली क्वेश्चंस बनते हैं वो हमारे होते हैं या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे किसी की सिंपल, या किसी के बारे में किसी का एग्जांपल पूछ लेंगे, तो इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं, तो उसमें ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, आप सिंपली उसको लिख सकते हैं। फिर हमारा मेन जो आता है वो हमारा होता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट जो हमारा सेशन है ये हमारा पूरा का पूरा 25 मार्क्स का होता है, और यहाँ पे होता क्या है कि कई जगह थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। एक्चुअल में हमें एक आंसर शीट हमें दी जाती है और इसमें आपको जो है एक प्रैक्टिकल बता दिया जाता है हमको कि प्रैक्टिकल लिखना है हमको, और उस
प्रैक्टिकल में आपको क्या करना पड़ता है, उसका एम डालेंगे आप, जो एम वो खुद ही बता देंगे, फिर आपको उसकी रिक्वायरमेंट लिखनी है और प्रोसीजर। इसमें आपको थ्योरी, रेफरेंस, ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद उसका आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे और डायरेक्टली फिर उसका आप रिजल्ट लिख देंगे। अब पहले आपको ये लिखने के लिए देता था, फिर आपसे कहेंगे कि इसको आप परफॉर्म कीजिए, तब आप इसको परफॉर्म करके जो भी उसकी रीडिंग आएगी उसको आप ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे, उसके बाद उसका रिजल्ट कैलकुलेट करके आप बता देंगे। कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्म नहीं कराया जाता है, डायरेक्टली आपसे सिर्फ लिखवाया जाता है, तो प्रॉपर गाइडलाइंस हर तरह फॉलो नहीं हो पाती हैं, तो इसी तरह हो जाता है। इसके बाद ये हमारा होता है जो 25 मार्क का होता है। अब आती है हमारी वो चीज जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग डरते हैं। अब आप यहां देख रहे होंगे तो वो सिर्फ हमारी 5 मार्क्स में है, मतलब बायवा, यानी कि बायवा से लोग ऐसे डरते हैं कि जाने क्या होगा, कैसे हम करेंगे। लेकिन आप यहां सिंपल देख रहे हैं कि सिर्फ हमारा 5 मार्क्स में आता है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंपोर्टेंट नहीं, इंपोर्टेंट है, लेकिन आप ये समझिए कि सिर्फ 5 में है तो मतलब इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। इसको हम इजी तरीके से लेंगे और फिर इजी तरीके से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आप इस तरह से लीजिए इसको। इसके बाद आपका ये उदाहरण है, तो बायवा में पूछा क्या क्या जाता है। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ हमारे देखिए 35 मार्क्स हो गए, उसके बाद ये 15 मार्क्स हमारे इंटरनल सेशनल के होते हैं, ये हमारे इसमें ऐड होकर टोटल हमारा 50 का होता है, वो हमारा बन के और फाइनल हमारे मार्क्स जाते हैं प्रैक्टिकल के लिए, फाइनल सेमेस्टर के। अब बात करते हैं बायवा में एक्चुअल में पूछा क्या जाता है। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं हमारे, एक तो हमारा होता है जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उसका प्रोसीजर जो है। अब प्रोसीजर के बारे में आपको मतलब बताना है, वो पूछेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या है, इसकी ये वैल्यू कैसे आई या क्यों हुआ, तो आपको सिंपल प्रोसीजर बता देना है। अब प्रोसीजर में आपको ये नहीं है कि पॉइंट टू पॉइंट आप एक एक चीज बताएंगे, बस आप जनरली चाहें तो आप हिंदी में भी बता सकते हैं, जनरली आप सिंपल बता दीजिए कि सबसे पहले हमने इसमें ये लिया, फिर ये किया और इस तरह हमने ऐसे डाला, हमारी ये वैल्यू आई और हमारा आंसर ये आया, इस तरह आप बता देंगे कॉन्फिडेंस होके। वो टीचर नहीं पूछेंगे कि बेटा इसको डीपली एक्सप्लेन करो या कुछ भी करो, बस आप बोलिए कॉन्फिडेंस होके। इसके बाद हमारा थ्योरी में से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, या तो ऑप्शन में, या तो एक्सपेरिमेंट में से पूछ लेंगे तो आपसे इससे नहीं पूछेंगे, या इससे पूछ लेंगे तो प्रोसीजर से। अब कैसे बनता है थ्योरी में, थ्योरी में सिंपल आपको कोई भी जैसे कोई टॉपिक है, जैसे एग्जांपल करिए कि ब्लड के ऊपर है कोई प्रैक्टिकल फर्स्ट सेमेस्टर में जो है हमारा, तो वहां पे फिर आपसे कोई ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि उसका कंपोजिशन क्या है, या उसका कैपिलरी वाला जो एक वो था हमारा प्रैक्टिकल, कैपिलरी का टाइम बताना है क्या है, ब्लड क्लॉटिंग टाइम, तो इन सब चीजों के बारे में पूछ सकते हैं इजी तरीके से। जैसे एक थर्ड सेम का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, बॉल मिल है, तो बॉल मिल है तो वहां पे हमारा जो साइज रिडक्शन वाला मेन चैप्टर है, तो उस चैप्टर से पूछ सकते हैं कि इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं, रिडक्शन का प्रिंसिपल दे सकते हैं, इंपैक्ट दे सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ये बायवा में पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, 4 से 5 क्वेश्चन बस पूछे जाते हैं, उसी के बेस पे लिख देते हैं। अब आपको करना क्या है इसके लिए, मतलब क्या ट्रिक है, किस तरह आप करेंगे। पहली बात यह है कि आप बी कॉन्फिडेंट, मतलब आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, डरना नहीं है, दिखाना नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा डर लग रहा है कहां पर, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल रहना है जैसे रहते हैं। उसके बाद क्या है, ट्राई टू स्पीक क्लियर, ये बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम हड़बड़ा जाते हैं, कभी बहुत लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलने में ट्राई करते हैं, तो इंग्लिश में कहूंगा कि इंग्लिश में आप तभी आंसर दीजिए जब आप एकदम कंफर्टेबल हो इंग्लिश में और आप अच्छे से वहां बोल पाएंगे, वरना टीचर के सामने आपका इंप्रेशन जो है कम हो जाएगा, क्योंकि आप इंग्लिश बोलने का ट्राई करेंगे लेकिन अच्छी नहीं। अगर आपको इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पा रहे तो आप वहां पे ट्राई कीजिएगा आप हिंदी में वीक कॉन्फिडेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस में होके आप वहां पे जवाब दीजिए अच्छे से। टीचर ये नहीं बोलते हैं कि आप हमें इंग्लिश में ही बताओ या हमको हिंदी में ही बताओ, आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे आप अपने मन से कर सकते हैं, बाकी कहीं कहीं ऐसा होता है तो वो आप देख लेना, वरना कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप इंग्लिश सीखिए मत, इंग्लिश भी आप सीखिए अलग से, लेकिन ऐसे टाइम पे आप जो अपनी उस लैंग्वेज को चूज किए जिसमें आप अच्छे से कंफर्टेबल हो और बिल्कुल कॉन्फिडेंस होकर आप उसमें बोल पाए। फिर हमारा आता है कि वो स्टूडेंट जो मतलब न्यू स्टार्ट कर रहे हैं सेमेस्टर, उनके लिए मैं 2-4 बातें बताना चाहूंगा। जो स्टूडेंट जो है ये न्यू सेमेस्टर में स्टार्ट आने वाले हैं, उनके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि वो जब भी लैब में जाएं या कहीं पे जाएं तो ये ट्राई कीजिए कि वो खुद परफॉर्म करें उस प्रैक्टिकल को, ये बहुत जरूरी है। लोग लाइटली ले लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, प्रैक्टिकल भी हमारे उतने ही वैल्यू रखते हैं जितनी हमारी थ्योरी रखती है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप उनको परफॉर्म खुद से कर सकें, हर एक स्टूडेंट करके ट्राई कीजिए। फिर उसके बाद जो रीडिंग आती है वो कैलकुलेशन भी आप खुद ट्राई कीजिए, बाकी प्रोसीजर वगैरह ये सारी चीज़ें आप ट्राई कीजिए कि आप कंप्लीट खुद लिखें अपना प्रैक्टिकल। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको आगे चल के थ्योरी में भी हेल्प मिलेगी, उसके बाद आपको बायवा और इन एक्सपेरिमेंट इन सब में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप स्टार्टिंग से ही फोकस रखिए, जब भी आपके कॉलेज में होता है आप ट्राई कीजिए कि आप उसको खुद से ट्राई करें और खुद से उसको परफॉर्म करें, सिंपल है फ्रेंड। उसके बाद अगर आप कोशिश करें तो प्रोसीजर जो होता है उसको आप अपनी लैंग्वेज में लिखने का ट्राई कीजिए। अब अपनी लैंग्वेज का मतलब जैसे बुक में भी इजी होता है, लेकिन आप ट्राई कीजिए, जैसे मैं बताता हूँ एक बॉल मिल हमारा एग्जांपल है, तो उसमें आपको क्या करना है, सिंपल आपको प्रोसीजर में लिखना है कि सबसे पहले बॉल मिल ऊपर से हम उसका
कैप उठाएंगे, इलेट है वहाँ पे हम ड्रग को डालेंगे। जैसे ये हमारा दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हमारा बॉल मिल है, इसके अंदर बॉल्स हैं। तो आपको क्या करना है, कैप उठाएंगे, इसमें ड्रग को डालेंगे, फिर हम इसको रोटेट करेंगे, स्पीड जो हम मीडियम रखेंगे, मीडियम स्पीड से क्या होगा, ये बॉल आपस में करके उसको हम रिड्यूस कर देंगे साइज को, हमें उसका फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप इसको सिंपल इंग्लिश यूज कीजिए, ये कोई नहीं कहता कि आप हार्ड इंग्लिश यूज कीजिए, और अच्छे से आप इसको अपनी लैंग्वेज में ट्राई कीजिए लिखने से, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह क्या करना है, कैसे हमें प्रैक्टिकल की तैयारी करनी है, कोई हार्ड नहीं होता है, वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कुछ सिंपल था। फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल लिखना होता है, फिर हो सके तो परफॉर्म कराते, परफॉर्म करना है खुद की और खुद ऑब्जर्वेशन करना है। उसके बाद साइनोप्सिस 5 मार्क्स में होता है, इसमें इजी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, सिंपल है फ्रेंड। बाकी आपको फाइल वगैरह सब अच्छे से रखनी है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह क्या होता है, तो आई होप अब चलते हैं, तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल्स।